क्या आपको पता है कि एक ऐसी डिग्री जिसमें आपको शराब बनाना सिखाया जाता है, और क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर एक तरह की काई पाई जाती है जो कि रात में कुछ इस तरह ग्लो करती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में सुन आप चौंक उठेंगे। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने पानी को ही जमते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी बबल्स को जमते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस इमेज को देखिए। ये इमेज कनाडा के पास अल्बर्टा नाम की जगह के पास अब्राहम झील की है, जहाँ पर ठंड के कारण कुछ इस तरह बुलबुले भी जम जाते हैं, और जब ये बबल्स फटते हैं कभी कभी इनमें आग भी लग जाती है क्योंकि इन बबल्स के अंदर मीथेन गैस होती है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आप यही सोचते होंगे कि जो ज्वालामुखी होती है वो गर्म इलाकों में ही होती है और वो गर्म इलाकों में ही फट सकती है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि ज्वालामुखी बेहद ही ठंड इलाकों में भी फट सकती है। ये तस्वीर अंटार्कटिका के माउंट एरेबस की है, जहां पर ये ज्वालामुखी बेहद ही ठंड इलाके में है और इससे हमेशा ही गर्म धुआं निकलता रहता है, और इसके साथ साथ इससे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें लोग बटन को देखने के बाद डर जाते हैं, और इसी तरह की बीमारी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी थी, जिसका नाम कॉम्पोनोफोबिया है, जिसमें लोग असल में शर्ट के बटन से ही डरने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी कीड़ों की प्रजाति होती है जो कि 1-2 हजार फीट नहीं बल्कि 30 हजार फुट ऊंचा उड़ सकती है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे उड़ सकती है, जिसका नाम बम्बल भी है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि नामीबिया के रेगिस्तान में ऊपर से कुछ इस तरह गोले दिखते हैं, और ऐसे गोले ना वहाँ पर बिल्कुल ही सामान्य बात है, लेकिन वहाँ पर ऐसे गोले बनते कैसे हैं? ऐसा इस रेगिस्तान में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एक खास तरह के जीव पाए जाते हैं जिनको टर्माइट कहते हैं, और वो जगह जगह पर कुछ इस तरह गोले बना देते हैं, और ये खास तौर पर सिर्फ नामीबिया के रेगिस्तान में ही देखा जाता है, और इन्हें फेरी सर्कल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने यही सुना होगा कि वोल्केनो से सिर्फ लावा ही निकलता है, लेकिन कभी कभी ज्वालामुखी के फटने के दौरान बिजली भी कड़कती है, और आज मैं आपको एक ऐसी ही क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वोल्केनो में बिजली को कड़कते हुए साफ देखा जा सकता है, और ऐसा ज्वालामुखी के सीधे फटने के कारण होता है जिसके कारण इससे बिजली कड़कने लगती है, और इसे वोल्केनिक लाइटिंग भी कहते हैं। तो आज मैंने आपको एक ऐसी क्लिप दिखा दी जिसको आज तक आपने नहीं देखा होगा, तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, इस क्लिप को देखिए, इसे लाइट पिलर्स कहते हैं, और ये बड़े ही रेयर जगहों पर बनता है जहां पर कुछ इस तरह लाइट के पिलर्स बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब सूरज या चांद से चमकने वाली रोशनी वायुमंडल में आती है तो नमी के कारण कुछ इस तरह लाइट पिलर्स बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी कुछ इस तरह रंग बिरंगे बादलों को देखा है? अगर नहीं तो इस क्लिप को देखिए, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि ये बादल कैसे रंग बिरंगे कलर के हैं, और ये असल में कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि आंखों का धोखा होता है। दरअसल जब गोल आकार के बादल बनने लगते हैं तो उसमें मौजूद पानी के कण सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरह कलरफुल हो जाते हैं, और हम लोगों को बादल कुछ नीचे से इस तरह दिखाई देते हैं जैसे कि आसमान में कई रंग एक साथ दिख रहे हों। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी डिग्री है जिसमें आपको अंगूर से शराब बनाना सिखाया जाता है? इसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में विटीकल्चर और एनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको शराब बनाने का शौक है तो आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर एक तरह की ऐसी भी काई पाई जाती है जो कि रात में ग्लो करती है, जो कि पेड़ों पर जमती है, और रात के समय इसका रंग निखर कर सामने आता है, जो कि इस पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि ये कैसे ग्रीन कलर में ग्लो कर रही है। और कुछ इस तरह एक मशरूम भी होता है जो कि रात के समय ग्लो करता है, और आप इस वीडियो क्लिप में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये मशरूम ग्रीन कलर में रात के समय में ग्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इसे अक्सर लोग नाइट लाइट भी कहते हैं। तो आज मैंने आपको 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है जिनके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साइड वाले बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए गुड बाय।